संतोष किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ चुकंदर की चटनी। तो मैंने ली ये चुकंदर, काट ली देखिए इस हिसाब से छिलके और इसको कट कर लिया। अब इसकी बनाएंगे चटनी। तो इसके लिए क्या करना है, हमारे को कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में डालना है आधा ग्लास पानी। पानी को करेंगे गरम और इसको पीस लेते हैं मिक्सी के जार में। तो पानी अच्छे से गर्म हो गया, अब इसमें डाल देंगे जो चुकंदर हमने काट रखी थी। ये डालेंगे 5 से 7 लहसुन की कलियां बिना छीले। ये साबुत मिर्ची ली है मैंने 3-4। लेंगे नमक, जाएगा हींग। इसको करते हैं 5 से 7 मिनट बॉईल। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर 2-3 मिनट और पकाएंगे, फिर इसको ठंडा करके और मिक्सी में पीसेंगे जार में। देखिए एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो ये पक गया है, इसको कर लेते हैं ठंडा निकाल के। तो हमने इसमें ट्रांसफर कर लिया, अब इसको ठंडा कर लेते हैं फिर पीसेंगे मिक्स। तो वापस हमने वो ही कढ़ाई ले ली जब तक मसाला ठंडा हो जाएगा, इसको फिर पीसेंगे। इसमें डाल लेते हैं सरसों का ऑयल। ऑयल गर्म हो गया, हमने इसको मिक्सी में पीस लिया और इसको रख देंगे साइड में। तो चाहिए 1 तेज पत्ता, 4 मेथी दाना, ये कड़ी पत्ता, ये लिए हमने चने की दाल और ये उड़द की दाल, ये साबुत धनिया और ये 4 से 5 बादाम और ये 7 से 8 काली मिर्ची और ये 1 चम्मच मसूर की दाल और ये जीरा डाल देंगे इसमें। इसको पकाते हैं 2-3 मिनट। अब डाल देंगे इसमें चटनी। अब इसको दो के ले लेते हैं। थोड़ा नमक वो डाल देंगे इसमें और ये 2-4 लिया है काजू मैंने कटिंग करके। अब इसको 2-3 मिनट पका लेते हैं मीडियम गैस पे। तो लीजिए चटनी बनके तैयार हो गई। अब इसमें डाल लेते हैं इसको, गैस को कर दिया बंद। तो ये बन गई चटनी अंदर की, कितनी अच्छी चटनी देखे। ये पराठा के साथ पूरी के साथ टेस्टी सी और हेल्दी भी, तो इसलिए आप इसकी चटनी भी स्वादिष्ट बना के खा सकते हो। तो आज की रेसिपी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताएगा, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो। आज के लिए थैंक यू।